हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संज्ञा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आकाश है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द पहाड़ है, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। क्या क्या होता है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा का भेद नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का भेद है, और जातिवाचक भी संज्ञा का भेद है, और भाववाचक भी संज्ञा का भेद है, निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। अतः उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, निजवाचक संज्ञा संज्ञा का भेद नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है या जातिवाचक संज्ञा है? अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें मोहन जो शब्द आया है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, यह जातिवाचक संज्ञा है न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी क्या संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा बी भी जातिवाचक संज्ञा है और डी भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है, तो इसमें पशु जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो मधुर जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आएगा। अगला प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी वकील जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो यह जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर भी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त भारत का
नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो ऑप्शन बी अमीरी, अमीरी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है तो दौड़, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी योगी। अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी चरित्र, चरित्र भाववाचक संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो यह भाववाचक संज्ञा है। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, शैशव शब्द संज्ञा शब्द है तो ये भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा? ऑप्शन नंबर डी बपौती। अगला प्रश्न देखिए, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो औचित्य होगी। अगला प्रश्न है, निजत्व संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा होगी। ये बुढ़ापा क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा है। मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, पशुता शब्द उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सोना, सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यह पांच प्रकार से बनती है। ठीक है, क्या क्या है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो चिंता, चिंता भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है तो थकावट भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है तो राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की। अगला प्रश्न, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो मानव के लिए मानवता भाववाचक संज्ञा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सुंदरता भी होगी और सौंदर्य भी होगी, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों होगी। अगला देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है तो जागरण, जागरण भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित पद रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, तो स्वतंत्रता कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, हरियाली है, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो रसीला, कढ़ावा, बुढ़ापा और उन्नति, यह भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता भाववाचक संज्ञा है इस सेंटेंस में। अगला प्रश्न देखिए,
इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा नहीं है, द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, या भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सभा संज्ञा है जो कि समूहवाचक संज्ञा आता है। अगला प्रश्न देखिए, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखिए, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है, तो दुनिया का विशेषण रूप क्या होगा? दुनियावी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो वह संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वह क्या है? एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण, यह क्या है? यह संज्ञा पदबंध है। अगला प्रश्न, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोलाए बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरु मोल। रहीमन द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है यह क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त विरूपति द्वार द्वार है, तो यह समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, इसका राइट आंसर क्या होगा? संग्रहता प्रकट करने के अर्थ में होगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट कहा जाता है। अगला, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा निशाना। अगला देखिए, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? यह एक संज्ञा है। अगला देखिए, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी भय भयानक होगा। भय संज्ञा है और भयानक क्या है? विशेषण है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।